રાજ્યમાં વેક્સિનેશનનું મહાઅભિયાન શરૂ કરાયું. યુવાઓના રસીકરણ માટે સેશન અને લાભાર્થીઓની સંખ્યા વધારવામાં આવી. કોરોના મહામારીની બીજી લહેરમાં લોકો ભયભીત બની રહ્યા છે ત્યારે કોરોનાથી બચવા માટે માસ્ક, સેનેટાઇઝર અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સની સાથોસાથ હવે રસી લેવી પણ જરૂરી બની ગઈ છે. અગાઉ શરૂઆતમાં સરકારે રસી લેવા અનેક અપીલો કરી પણ લોકો વેક્સિન મુકાવવા ગયા ન હતા. જોકે બીજી લહેરની ભયાનકતાના કારણે લોકો સામે ચાલીને હવે રસી લેવા જઈ રહ્યા છે. પણ યુવા વર્ગનો ધસારો વધતા તમામને રસી આપી શકાતી નથી. કચ્છમાં 18 થી 45 વર્ષની આયુમાં રસી લેનારા લાભાર્થીઓની સંખ્યા 10 લાખ જેટલી છે. 1 મેથી યુવાઓનું રસીકરણ શરૂ થયું છે પણ અત્યાર સુધીના 25 દિવસોમાં માંડ 25 થી 26 હજાર યુવાઓને રસી મળી ચૂકી છે. રસીકરણ માટે સાઇટની સંખ્યા વધારવામાં આવે તેવી લોકોની માંગણી છે. જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ભવ્ય વર્માએ રસીકરણની કામગીરી બાબતે કહ્યું હતું કે જિલ્લામાં 2 ગ્રુપમાં રસી અપાય છે, જેમાં પ્રથમ ગ્રુપમાં 18 થી 45 વર્ષની આયુના લોકોને રસી આપવામાં આવે છે, જ્યારે બીજા ગ્રુપમાં 45 થી 59 અને 60 થી વધુ વયના લોકો અને હેલ્થકેર વર્કર, ફ્રન્ટલાઇન વર્કરને વેક્સિન અપાય છે. જિલ્લા પંચાયત દ્વારા વેક્સિન માટેની સાઇટ નક્કી કરવામાં આવે છે. લાભાર્થીઓને ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું હોય છે. વસ્તીના આધારે સાઇટ નક્કી થાય છે. ભુજ અને ગાંધીધામ જેવા શહેરી વિસ્તારોમાં વધુ સાઇટ હોય છે. બન્ની, ખાવડા જેવા ઓછી વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારોમાં પોપ્યુલેશનના આધારે સેશન ક્રિએટ થાય છે. જે સેન્ટર પર અગાઉ લોકોની રસી લેવા ધસારો હતો ત્યાં વધુ સેશન નક્કી થાય છે. ભુજમાં ડ્રાઈવ થ્રુ વેક્સિનેશન પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. રાજ્યમાં ડ્રાઈવ થ્રુ વેક્સિનેશનની શરૂઆત કચ્છ જિલ્લામાંથી જ થઈ હતી. યુવાઓના રસીકરણમાં અગાઉ દૈનિક 1000 રસી અપાતી હતી, જોકે હવે દરરોજ 4000 લાભાર્થીને આવરી લેવાયા હોવાનું DDOએ કહ્યું હતું, જે નોંધનીય છે. કચ્છમાં 10 તાલુકા, 7 શહેરો અને 632 ગ્રામ પંચાયતો છે, ત્યારે વેક્સિન સાઇટ વધુ બનાવવામાં આવે તો મહત્તમ લોકોને રસીકરણનો લાભ મળી શકે તેમ છે. देखिए, इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ. वैक्सीनेशन जो है कच्छ में अपन 2 कैटेगरी का वैक्सीनेशन जो चल रहा है अभी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के डायरेक्शंस के अनुसार. सबसे पहली कैटेगरी है अपनी 18 प्लस की कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी है 45 प्लस की कैटेगरी. 45 प्लस की जो कैटेगरी है उसके अंदर अपने पास 45 से 59 का एज ग्रुप, 60 प्लस का एज ग्रुप, हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर, ये 4 लोग इंक्लूड होते हैं. इनका जो वैक्सीन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है. और 18 प्लस की जो कैटेगरी है उसके अंदर अपने 18 से 44 तक का एज ग्रुप इंक्लूड होता है. 1 फरवरी से अपन ने 45 प्लस का वैक्सीनेशन चालू किया था, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने हेल्थ केयर वर्कर्स का चालू किया था, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स का, फिर 60 प्लस और 45 प्लस. आज की तारीख में कच्छ में अपन 45 प्लस का जो वैक्सीनेशन है वो टोटल 30 जगह पर अपन आयोजित कर रहे हैं. ये जो 30 सेंटर हैं ये हमने इस तरीके से इस्टेब्लिश किए हैं कि इसके अंदर कच्छ के अलग अलग जो विस्तार हैं उन सब लोगों को हम कवर कर सकें, वो सभी एरिया अपन कवर कर सकें. 2 चीज़ों का हमने इसमें ध्यान रखा है ये 30 सेंटर डिज़ाइन करते टाइम. नंबर 1, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है. तो दाखिला तरीके भुज, गांधीधाम, यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कुछ सेंटर्स यहाँ पर ज़्यादा हैं. और दूसरा विस्तार, तो जैसे हमने बन्नी एरिया हो, खावड़ा एरिया हो या फिर लखपत, रापर ये वाला एरिया हो, यहाँ तक भी अपन ने सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं. ये जो टोटल 30 सेंटर हैं जहाँ पर अपना 45 प्लस का वैक्सीनेशन है, इसके अंदर 2 तरीके की डोज दी जाती है. नंबर 1 फर्स्ट डोज, नंबर 2 सेकेंड डोज. उसका अपन ने एक रेशियो इस्टेब्लिश कर रखा है डिपेंडिंग अपॉन उस सेंटर के ऊपर इससे पहले कितना वैक्सीनेशन हुआ है. तो फॉर एग्जांपल अगर अपना कोई एक सेंटर है जहाँ पर पहले भी बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो वहाँ पर हम सेकंड डोज का रेशियो थोड़ा कम रखते हैं, बिकॉज उतनी डिमांड वहाँ पर कम हो सकती है. ये जो 30 सेशंस अपने हैं 45 प्लस की कैटेगरी के लिए, इसमें हमने कुछ मोबाइल सेशंस भी रखे हैं. मोबाइल सेशन का काम क्या होगा कि जहाँ से भी डिमांड किसी एक पर्टिकुलर दिन आती है और वो पर्टिकुलर एरिया हमें कमिट कर पाता है कि 50-60% वहाँ पर हो पाएंगे, तो हमारी टीम वहाँ डोर स्टेप पर जाकर उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा सकती है. ये है 45 प्लस की कैटेगरी के लिए. 18 प्लस की कैटेगरी का जो अपना वैक्सीनेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो रहा है. कल तक अपने पास 10 साइट्स होती थी, कल रात को गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन आया कि 10 से बढ़ाकर अपने को 20 साइट करना है. तो हमने ये देखा कि ये जो 10 साइट हैं इसमें डेली का हमारा लगभग हर साइट का 150 का टारगेट होता था पहले, और एक दिन से बढ़ाकर वो 200 का किया था. वो टारगेट के अगेंस्ट हमने चेक किया कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल इसमें जो हमने डेटा निकाला उस हिसाब से गवर्नमेंट ने जो बोला कि 10 एक्स्ट्रा साइट्स आपको क्रिएट करना है, तो वो 10 एक्स्ट्रा में से हमने 2 भुज, 2 गांधीधाम, 2 अंजार, 1 मांडवी, मुंद्रा, नखत्राणा और भचाऊ, इस तरीके से हमने 10 एक्स्ट्रा साइट इस्टेब्लिश किया है. हर साइट के ऊपर डेली का हमारा 200 का फिगर रहता है टारगेट का, तो उस हिसाब से 20 साइट्स इंटू 200 का फिगर बराबर 4000
अपन 18 प्लस में टारगेट कर रहे हैं और लगभग यही फिगर जो है अपन 45 प्लस के अंदर टारगेट कर रहे हैं। इस तरीके से अपना पूरा वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है।